शुक्रवार को मोहद्दीपुर स्थित अग्निशमन विभाग के द्वारा एक निजी मॉल में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में मॉक ड्रिल कर प्रशिक्षण दिया गया। मॉल में लगे स्प्रिंकलर स्मोक डिटेक्टर को चेक किया गया, जो स्वचालित मोड में पाए गए तथा मॉल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर आग से बचने के उपाय बताया गया, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कई टीमों को गठित करके प्रदेश स्तर पर मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉल के सारे सिस्टम चेक किए गए। चेकिंग के दौरान जितने पंप हाउस को भी चेक किया गया, सभी संचालित मोड पर हैं और सारे सिस्टम ठीक ठाक पाया गया। मॉल के कर्मचारियों को फायर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और पंपलेट वितरण करके प्रचार प्रसार किया गया कि आग से किसी प्रकार की लापरवाही कोई ना करे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रोड पर सिगरेट बीड़ी तथा जलते हुए कागज ना फेंके, एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। इस अवसर पर फायर फाइटर आशीष नंदन सिंह, आनंद किशोर, अभिषेक सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, राघवेंद्र शाही तथा संजीव श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, निकालना है और इसको एक हाथ से पकड़ लेना है और इसको आपको चलाना है।
है सोडियम बाइकार्बोनेट गैस, ठीक है जी, ये भी सी ओ डी, ठीक है, ये आपका सी ओ डी, हमने इसको बताया आज मैं शुरुआती लाभ आ रहा जिससे आपकी सपोर्ट के लिए जो लोग सुन रहे हैं वो भी पहुँच जाए और जो संस्थान अपना लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप इसे और किया जाए, ये पोर्टेबल हाथों से बनाना बहुत आसान है। आप लोगों को हम लोग कंप्लेंट मांग रहे हैं सर, और इसको आप उठाने के बाद आप रेगुलेशन कर रही है तो आप साफ सफाई करिए, इसलिए मैं ये पता रहेगा कि आप कभी कभी आप उठाने पर ये मॉक ड्रिल हम लोग वर्ष भर करते रहते हैं और प्रत्येक माह और सप्ताह में बृहद मेन संस्थानों में होता रहता है। आज हम लोग का जो अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इसमें कई टीमें गठित करके बृहद स्तर पर मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। शहर में आज कई जगहों पर मॉक ड्रिल चल रहा है। मैं स्वयं यहाँ पे ओरियन मॉल में आया हूँ अपनी टीम के साथ में, तो मैंने यहाँ पे पहले तो इनके सारे सिस्टम को चेक किया, सारे सिस्टम इनके सही पाए गए और जितने पंप हाउस में इसमें आप खड़े हमारे साथ सारे पंप इनके सही हैं, सबको मैंने चलवा के देखा और सब स्वचालित मोड पे हैं, ऑटो मोड पे हैं। इनके स्मोक डिटेक्टर को हम लोगों ने धुआं से उसको अगरबत्ती सुलगा के देखा, वो भी सही वर्क कर रहे थे, हूटर बजने लगे और आग जला के इनका स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोग लगाए तो जो स्प्रिंकलर के बल्ब है टूट गए और स्प्रे निकलने लगा और पंप ऑटो स्टार्ट हो गया। तो ये सारे सिस्टम को चेक किया गया, सब सही पाए गए और यहाँ पे माल में जितने लोग आए हुए थे उन लोगों को इकट्ठा करके फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रशिक्षण दिया गया और उनको पंपलेट वितरण किया गया और ये प्रचार प्रसार किया गया, उनको जागरूक किया गया और किसी प्रकार की लापरवाही न हो क्योंकि लापरवाही से आग लगती है और आग शुरुआती दौर में ही उसको कंट्रोल किया जाए। शुरुआती दौर में किसी भी आग के लिए एक गिलास पानी बहुत है लेकिन विलम्ब हो जाने के बाद एक दो टैंकर कम है, ज़्यादा विलम्ब होने पर तो और जरूरत पड़ती, इसलिए इस पर बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए और शोर मचाते हुए जिससे आपके मदद के लिए और लोग इकट्ठा हो जाएं, इस तरीके से इनको एक अभियान चला के जन जागरूक किया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना को कम किया जा सके। हाँ, जिसको इस समय धूपें हैं, इस समय आगों की संख्या बढ़ जाती है। हमारे 4 फायर स्टेशन अस्थायी रूप से ज़िले में पहले से थे, उसके अलावा हमने सभी तहसीलों में और सभी तहसीलों के अलावा बड़हलगंज में इस प्रकार कुल 6 जगह हमने जो अस्थायी रूप में फायर सर्विस की गाड़ियां लगा रखी हैं एकदम नज़दीक में और जिससे सूचनाएँ मिल भी रही हैं और नज़दीक होने के कारण त्वरित कार्रवाई की जा रही है और उसका लाभ भी जनमानस को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस साल हर साल की अपेक्षा प्रचार प्रसार से आगे भी कम लग रही हैं और काफ़ी राहत भी है और हम लोग ये अभियान चलाते रहेंगे और अपने पूरे जो संसाधन है इनको हम लोगों ने इसमें फैला रखा है सब तहसील स्तरों पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि नज़दीक पे हम लोग गाड़ियाँ उपलब्ध रहें और समय पे पहुँच सकें और जनमानस को इसका लाभ मिल सके। यही हम लोग अपील करेंगे कि थोड़ा सा इसमें कोई भी आग कहीं ना कहीं से लापरवाही से लगती है, चाहे खेतों की आग हो वहाँ पे धूमपान से या लोग बिजली के तार के नीचे अपना जो अनाज का स्टोर करते हैं या गर्म राख को जो बिना पूछे हुए बाहर फेंक देते हैं, चलते राह में भी बीड़ी सिगरेट फेंकना, इस तरीके से लापरवाही, या घरों में जो होता है वहाँ भी लापरवाही होता है, कभी कभी एक प्लग में कई कनेक्शन कर देते हैं, गैस की पाइपलाइन को छोड़ देते हैं, इस तरह से कोई भी आग कहीं ना कहीं से ज़रूर लापरवाही होती है तभी लगती है, तो उसमें थोड़ा सा सजग रहें, जागरूक रहें और लापरवाही न करें, आग न लगने पाए, और लगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने स्तर से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और फायर सर्विस को स्पष्ट सूचना दें आसपास के कोई भवन बिल्डिंग के बारे में सही लोकेशन बताएं जिससे हम जल्दी से जल्दी पहुंच के आपकी मदद कर सकें, इसलिए सबको जागरूक किया जा रहा है।